हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस की एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर ट्रबल शूटिंग इशू के बारे में। ठीक है, अब तो आप स्क्रीन के सामने लिखा हुआ देख रहे हैं कि क्या है ये इशू, इसका मतलब भी हम लोग समझेंगे और इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से समझेंगे। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ कि आई हैव अपडेटेड द स्टेट बट लॉगिंग गिव्स मी द ओल्ड वैल्यू। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब होता है अगर इंग्लिश टू हिंदी करें तो थोड़ा सा ये फनी होता है, मतलब एक्चुअल मतलब समझेंगे बट थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि मैंने स्थिति अपडेट कर दी। अब स्थिति का मतलब स्थिति नहीं, सिचुएशन नहीं, मतलब ये बेसिक भाई ट्रांसलेशन है। अब इसको थोड़ी पता रिएक्ट जेएस के बारे में, यानी कि स्टेट के बारे में बोल रहा है कि मैंने स्टेट को अपडेट कर दिया, लेकिन लॉगिंग यानी जो कंसोल लॉग कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग हर एक सिचुएशन में इसको ले सकते हैं बट फिलहाल के लिए ऐसा मान लेते हैं कि कंसोल लॉग में। ठीक है, लेकिन लॉगिंग यानी मैंने स्टेट को अपडेट कर दिया है या दी है, लेकिन कंसोल लॉग में यानी लॉगिंग में मुझे पुराना मान मिल रहा है, मान यानी कि पुराना वैल्यू। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई मैंने स्टेट को अपडेट कर दिया बट लॉगिंग में, ठीक है यहाँ पे लॉगिंग नहीं लेते, थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मैंने स्टेट को अपडेट कर दिया है लेकिन जब मैं उस स्टेट को यूज़ करना चाहता हूँ अपडेटेड स्टेट को, फिर भी मुझे पुराना वैल्यू मिल रहा है। तो इसको ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और एकदम बेसिक एग्जांपल लेंगे लेकिन एकदम रियल वर्ल्ड तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बेसिक सिंपल सा यूआई बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक H1 टैग लिखा हुआ है, बाकी एक इनपुट है, एक सिंपल प्लस का सिंबल है, मतलब दो इनपुट है। ठीक है, और एक बटन है आउटपुट का, मतलब एक बटन है। अच्छा सॉरी, ये ना इसको हटा देते हैं क्योंकि अगर इसको यूज़ करेंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है सॉरी, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल सा एप्लीकेशन आपको बनाना है कि जो दो नंबर को ऐड कर सकता है। ठीक है, तो बोलोगे भाई कितना सिंपल है यार सुब्रो, तो इससे सिंपल क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे और यहाँ पे कुछ लिखेंगे, हमें आउटपुट दिखना चाहिए। ठीक है, अरे भाई परेशानी देखना भाई, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है चलो देखते हैं, तो हम लोग स्टेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, दोनों नंबर के लिए दो स्टेट क्रिएट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, कॉन्स्ट देते हैं फर्स्ट नंबर के लिए, यहाँ पे देते हैं फर्स्ट नंबर, सेट फर्स्ट नंबर, यूज स्टेट देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रखते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेकेंड नंबर, सेट सेकेंड नंबर, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो देते हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ कनेक्ट करते हैं, कैसे, वैल्यू इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर, आ जाओ भाई फर्स्ट नंबर, ये आ गया, और यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू सेकेंड नंबर। ठीक है, जीरो जीरो आ गया, सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल। अब हमें ऑन चेंज लगाना पड़ेगा, राइट, नहीं तो फिर कैसे चेंज होगा, यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए ऑन चेंज लगाते हैं, ऑन चेंज इज यहाँ पे इनलाइन फंक्शन देते हैं, इज इवेंट, और यहाँ पे सेट करेंगे तो सेट फर्स्ट नंबर हुक को कॉल करते हैं, हुक नहीं सॉरी ये फंक्शन जो है इसको कॉल करते हैं ताकि वैल्यू को अपडेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से इस सेकेंड नंबर का भी हम लोग कर सकते हैं, आपको पेस्ट कर देते हैं, बस अंतर ये होगा कि ये जो सेट होगा स्टेट अपडेट होगा, ये सेट सेकेंड नंबर जो है फंक्शन है, ये वाला जो स्टेट है ये वाला इसको अपडेट करेगा। ठीक है, दोनों का अपना अपना, चलिए सेव करते हैं देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ काम तो कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है। तो अब जो है हम लोग चाहते हैं कि यूज़र जो भी लिखे ना उसको तुरंत ही उसका आउटपुट मिल जाए भाई, इतना सिंपल सा, लेकिन देखना अभी कितना परेशानी होगा। ठीक है, तो बोले भाई सुब्रो तो ये भी बहुत सिंपल है, चलो करके देखते हैं भाई, बहुत सिंपल है तो देखते हैं, हो जाना चाहिए है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो आउटपुट है इसके लिए भी एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी जीरो रखते हैं और इसको वैल्यू को पहले असाइन कर देते हैं, ये डिसेबल है ताकि भाई यूजर इसको मैनिपुलेट ना कर पाए। ठीक है, ठीक है जीरो हो गया। अब यूज़र कुछ भी लिखे ना तो दोनों का, जैसे 22 + 0 जीरो होगा, ये ना 22 होगा, सॉरी भाई 22 होगा ना, तो मतलब आपको लाइव रिजल्ट चाहिए, कोई बटन पे क्लिक नहीं चाहिए अपने को कि कोई बटन पे क्लिक करे तब। ठीक है, तो कैसे होगा वो चीज़, चलिए बहुत सिंपल है, बोलोगे भाई बहुत सिंपल है, ऑन चेंज में जाओ, जब चेंज हो रहा कोई वैल्यू ये दोनों में ही लगा देते हैं। तो ठीक है, लगाते हैं सेट आउटपुट करते हैं, क्योंकि आउटपुट का तो वैल्यू जा रहा है आउटपुट में ना इस पे, तो ये जो हुक है यहाँ पे लिखते हैं क्या, नंबर को कन्वर्ट करते हैं इस पर नंबर में। ठीक है, टाइप नंबर दे सकते हैं बट फिर भी, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर,
ये हो गया। अब सेम चीज़ को इसी में इसमें भी करते हैं, क्योंकि मान के चलो चाहे इसमें कुछ चेंजेस हो चाहे इसमें कुछ चेंजेस हो, दोनों का हमें एडिशन इस पर दिखाना है ना। तो सिंपल इसको सेव कर देते हैं और चलिए देखते हैं एक बार। अब यहाँ पर अगर हम वन लिखते हैं कुछ नहीं आया, फिर वन लिखते हैं, इलेवन लिखते हैं तब भाई वन आ रहा है। अच्छा फिर से देखते हैं, ध्यान से समझना ठीक है, कोशिश करना। अगर वन लिखते हैं भाई कुछ नहीं आया, टू लिखते हैं फिर अब वन आया, अब थ्री लिखते हैं तो वन टू आया, फिर फोर लिखते हैं फिर वन टू थ्री आया, फिर फाइव लिखते हैं फिर वन टू थ्री फोर आया। देख रहे हो जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो वैल्यू भी तो आना चाहिए ना। अभी सिक्स लिखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव आएगा आउटपुट में, ये देखो ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं वन, ये देखो ठीक है, अपडेट वन स्टेट तब ठीक है। टू लिखते हैं ठीक है, थ्री लिखते हैं तो है हो रहा है, लेकिन समझ रहे हो बात को, अपडेट जब होना चाहिए तब नहीं हो रहा, उसके बाद वाले रेंडर में अपडेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे वन लिखते हैं तो जीरो प्लस वन कितना होता है, वन होता है ना, तो यहाँ वन दिखना चाहिए था। लेकिन फिर अगर यहाँ टू लिखेंगे ना तो क्या होगा पता है, क्या होगा बताओ, यहाँ टू लिखेंगे तो वन आएगा यहाँ पे, क्यों बताते हैं टू लिखे। अब वन क्यों आया, क्योंकि ये जो टू लिखे ना ये इसको नेक्स्ट रेंडर में मिलेगा, इस रेंडर में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रेंडर में हम लोग इसको कैलकुलेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। इसको अभी इस रेंडर में इसका वैल्यू मिल रहा, अभी हम लोग टू लिख दिए तो हमें लग गया क्या कि भाई अपडेट हो गया होगा ना, है ना, तो 12 और 0 12 हो है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो आप अपडेट किए ना जिस जगह पे अपडेट किए और उसके बाद अगर वैल्यू को अपडेटेड वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। जैसे हमने तो यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश की यहाँ पे सेकंड नंबर को और फिर आउटपुट भी कैलकुलेट करा, नहीं होगा, इसको पुराना वैल्यू ही मिलेगा वन। तो जीरो प्लस वन क्या होता है वन। अभी अगर फिर हम कुछ नंबर प्रेस करेंगे ठीक है, अगर थ्री लिखते हैं तो यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि 12 प्लस 0 12 होता है। और थ्री वन टू थ्री 123 को काउंट नहीं करेगा, वो थ्री को कब करेगा वो फिर नेक्स्ट रेंडर में। देखो देखे है ना कितना सिंपल से एग्जांपल है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग खराब करके रख देगा है ना ये चीज़ है। तो ये चीज़ है कि जहाँ पर आप स्टेट को अपडेट कर रहे हो ना भाई ठीक है, और एक बार समझाता हूँ, ध्यान समझना। अगर यहाँ पे वन लिखे, अच्छा वन नहीं छोड़ो, अगर फाइव लिखे तो कुछ नहीं आ रहा है, तो फाइव प्लस जीरो फाइव होता है ना, लेकिन क्यों नहीं आया कि इस रेंडर में इसको नहीं मिलेगा ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ कुछ लिखे तो ये जो है सेट फर्स्ट नंबर हुआ ठीक है, और फिर हमने कैलकुलेट किया, लेकिन इसको भी पुराना वैल्यू मिल रहा है यानी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ठीक है। अब अगर कहीं कुछ लिखेंगे, यहाँ लिखे चाहे वहाँ लिखे, स्टेट जैसे अपडेट होगा ना तो फिर उसको इस जो भी अपडेट हुआ वो वाला वैल्यू मिलेगा। जैसे यहाँ पे वन लिख देंगे ना तो यहाँ पे फाइव आया, जबकि फाइव और वन सिक्स होता है। अभी यहाँ टू लिखेंगे तब यहाँ पे सिक्स आएगा, ये देखो ठीक है। तो जो अपडेट हो रहा ना, जहाँ पे स्टेट अपडेट हो रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं उसी अपडेटेड वैल्यू को एक्सेस करके लिखूंगा, जैसे फर्स्ट नंबर अपडेट हो रहा है यहाँ पे, ये अपडेट किए और हमें लगा कि चल भाई सेट आउटपुट में कर देते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, हमें अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको नेक्स्ट रेंडर मिलेगा ठीक है। नेक्स्ट रेंडर में वो चीज़ मिलने वाला है, समझ गया, समझे कि नहीं ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है, देखो अब यहाँ पे कोई बटन देते गेट रिजल्ट का तो फिर कोई इशू नहीं था, वो चीज़ हो जाता, लेकिन जब आप कर रहे हो ना उसको अपडेट और उसी वक्त आप चाहते हो उस वो अपडेटेड वैल्यू आपको मिले, भाई तो वो नहीं मिल सकता ठीक है। तो इसका एक देखो उसका बहुत सारा सॉल्यूशन है, तो ये टॉपिक है ट्रबल शूटिंग का, तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर काफ़ी सिंपल है इसको करना। तो अपडेटेड वैल्यू तो हमें इवेंट के थ्रू मिल ही रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई फर्स्ट नंबर में ये चीज़ जा रहा है ये वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर को नंबर में ना कन्वर्ट करते हुए सीधा ये वाला ही तो दे सकते हैं ना, क्योंकि यही चीज़ तो जा रहा है अपडेट हो रहा है और हमें अपडेटेड वैल्यू तो मिल ही रहा। या फिर इसको एक वेरिएबल में सेट कर लो और फिर दोनों में पास कर दो ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट नंबर में जो हम लोग पास कर रहे हैं इवेंट और टारगेट डॉट वैल्यू यानी जो यूजर लिख रहा है उसी को हमने इसमें नंबर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि कुछ ये अलग है कि भाई अलग दिख रहा है और अलग जा रहा है, नहीं सेम ही चीज़ तो जा रहा है, तो हम भाई बेफिक्र रह सकते हैं ठीक है कि हाँ भाई सही है। सेम यही चीज़ सेकंड नंबर के वक्त भी ना हम लोग कर सकते हैं कि जब यूज़र यहाँ पे कुछ लिखेगा ना, इस पे कुछ लिखेगा तो इवेंट और टारगेट और वैल्यू में जा रहा है उसी को तो अपडेट कर रहे हैं ना सेकंड नंबर पे। और देखो यहाँ पे आउटपुट क्या सेट कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर, जो कि हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अपडेट को क्या हो रहा है उसको ध्यान देना, अपडेट क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है सेकंड नंबर और ये सेकंड नंबर है, तो यहाँ पे इसको डाल दिए ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ठीक है। तो बात बराबर है, क्योंकि सेट सेकंड नंबर में भी वही वैल्यू जा रहा है जो यहाँ पे हम लोग इसको एडिशन भी करके निकाल रहे हैं, वैल्यू तो एक ही जा रहा है ना, अलग अलग वैल्यू तो नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 लिखेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा, नहीं सेम ही वैल्यू जाएगा। अब सेव करते हैं, अब देखना रिसेंट एकदम अपडेट वैल्यू मिलेगा। जैसे 1 लिखे 1 आ गया, देखो यहाँ पे 1 आ गया ना, और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 9 तो 9 और 1 10, ये नहीं कि नेक्स्ट रेंडर मिलेगा। अगर 99 लिखते हैं 99 और 1 100 ठीक है, समझ गया। अगर यहाँ पे 0 कर देते हैं तो 0 प्लस 99 99, समझ गए, तो अपडेटेड वैल्यू मिला। तो ये इस तरीके से आपको भाई तिगड़म लगाना पड़ेगा, परेशान हो तो मेरे को पता है ये ट्रबल शूटिंग टॉपिक है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ परेशानी से रिलेटेड होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा कैसे आप जो है
इस तरीके से डील कर सकते हो इस तरीके सिचुएशन पे जहाँ पर कि आप स्टेट को अपडेट कर रहे हो बट आपको पुराना वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो सिंपली आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे, या तो फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो @tufanikoder मेरा अकाउंट है, या फिर जो भी है मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको सारे मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप मेरे से वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आपको पूरा समझा पाया हूँ, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है भाई।